सिलिशिया कोई केमिकल नहीं है बल्कि सिलिकॉन जो ज़मीन का अक्सर जुज़ है, हर मिट्टी में पाया जाता है, जिससे आगे चिप्स बनते हैं, कंप्यूटर चिप्स बनते हैं। सिलिकॉन बहुत कसरत से इस्तेमाल होने वाला एक धात समझ लें, या इब्तदाई ज़िंदगी का जिस दुनिया का जिससे दुनिया वजूद में आई है या मादा वजूद में आया है उसका एक गालिब उनसर है। तो सिलिशिया का ज़्यादातर असर ऐसी शक्ल में होता है कि ये बैरूनी हमले के ख़िलाफ़ एक मुस्तैद निगरान और मुहाफिज है। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव दवा, जो हसास दवा जो होम्योपैथिक में बैरूनी हमलों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, वो सिलिशिया है। सिलिशिया अगर कोई चीज़ भी बैरूनी हो और जिस्म में मौजूद हो तो सिलिशिया एक अलार्म बजा देती है होम्योपैथिक मकदार में, क्योंकि सिलिशिया आमतौर पर हमारे ग़िज़ा में मौजूद है, हमारे जिस्म को दिफा से गाफिल कर देती है ज़्यादा मकदार में होने की वजह से, और जिस्म में सोसा जाता है। बैरूनी हमला जब सिलिशिया को हल्का करके दिया जाए तो वो उन कुवतों को बेदार करती है। और इसमें बैरूनी हमले की कोई मुअय्यन तायीन नहीं है, जरासीम हो, वायरस हो, कोई हड्डी का टुकड़ा फंसा हुआ हो, कांटा चुभा हुआ हो, कोई बुलेट हो जिस्म के अंदर, शीशे का टुकड़ा चला जाए, इन सब पर सिलिशिया का असर मौजूद है। इसलिए हर ऐसी बीमारी जिसको एक बैरूनी हमला मुतसव्वर करके उसके ख़िलाफ़ इलाज करना मकसूद हो, उसमें मैं समझता हूँ कि इल्ला माशाअल्लाह बाज़ दफ़ा सिलिशिया की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं बताऊँगा कहाँ कहाँ नहीं, मगर सिलिशिया की ज़रूरत पड़ जाती है। सिलिशिया से मुतल्लिक बाज़ एहतियातें भी हैं।